दिख रहा होगा, ये देखो कितना लंबा दूर तक लाइन लगा हुआ है। तो फाइनली हम बद्रीनाथ मंदिर के अंदर में आ गए हैं। देखो कैसे सड़क है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो मेरा सीट का हाला फुल। भाई अभी ये साइकिल को वहां से ऊपर चढ़ाए। स्वागत है आप लोगों के मेरे YouTube चैनल में, फिर से एक नए वीडियो में, फिर से एक नए एपिसोड में। ठंडा सा इलाका बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में। कल रात को हम यहाँ पे कैंपिंग किए थे बद्रीनाथ धाम में, मंदिर से आधा किलोमीटर पहले। अभी सुबह हो गया और सुबह उठते ही बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है भैया। अब हम यहाँ से उठेंगे, पूरा टेंट वगैरह जो है यहाँ से हम समेटेंगे और साइकिल और सामान रख देंगे यहाँ पे बिक्की भैया के दुकान में। बिक्की भैया का दुकान हम दिखाएंगे, जिनके रिसोर्ट के बगल में हम टेंट लगाए थे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोग कभी आना चाहोगे यहाँ पे तो बिक्की भैया का यहाँ पे टेंट लगता है, तो आप लोग यहाँ पे आके नाइट स्टे कर सकते हो। ज़्यादा चार्ज नहीं है, मेरा नाम लोगे तो आप लोगों को जरूर डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे आके नाइट स्टे कर सकते हो। मंदिर के पास गर्म कुंड है, गर्म कुंड में हम नहा के वहीं पे दर्शन करके फिर आएंगे साइकिल लेके, फिर हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा कि हम बद्रीनाथ धाम पहुँच गए थे, बद्रीनाथ धाम मंदिर का आप लोगों को दर्शन कराए और फिर हम मंदिर में अंदर दर्शन नहीं करके हम चले गए थे माना गाँव, माना पास चले गए थे। तो अगर नहीं देखे हो तो ऊपर में आई बटन में आ रहा होगा, आप लोग क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो भैया यहाँ पे सारा सामान मेरा जो है लोड हो चुका है साइकिल में फिर से, और ये रिसोर्ट है बिक्की भैया का, इसी रिसोर्ट के बगल में हम लगाए थे अपना टेंट। और बिक्की भैया का दुकान वहाँ पे है, वहाँ से बिक्की भैया से मिल के और सीधा निकल जाएंगे उधर मंदिर के साइड में। तो यहीं पे अभी साइकिल छोड़ के जा रहे हैं बिक्की भैया की दुकान पे, और ये है हमारे बिक्की भैया, इन्हीं का वो रिसोर्ट है जहाँ पे कैंपिंग किए थे और ये दुकान है, और जहाँ गोविंद घाट पे इन्हीं के छत के ऊपर में हम कैंपिंग किए थे। तो अभी बिक्की भैया साइकिल लगा के जा रहे हैं, दर्शन करके आते हैं, ठीक है। चलो जय भोलेनाथ, जय बद्रीनाथ। अभी मंदिर के पास पहुँचने ही वाले हैं हम, और सामने मेरा जो है मंदिर दिख रहा है बद्री विशाल का मंदिर। अभी जो है लाइन जो है काफ़ी लंबा लग चुका है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबा लाइन लग चुका है। सामने आप देख लो बद्रीनाथ का मंदिर, आप लोगों को यहाँ से एक व्यू दिखा दे है मंदिर का। सामने देखो बद्रीनाथ पूरा मंदिर और पूरा इलाका, पूरा गांव, और यहाँ से जो है अलकनंदा रिवर। आप लोगों को यहाँ पे लाइन दिख रहा होगा, ये देखो कितना लंबा दूर तक लाइन लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ है अभी यहाँ पे बद्रीनाथ में। तो ये है यहाँ का गर्म कुंड, यहाँ पे सब कोई नहा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे से मिलने के लिए आया नागपुर से, ये मुझे बहुत बार कॉल किए थे इनसे, मतलब कि ये केदारनाथ में मिलने वाले थे लेकिन मेरे टाइमिंग वैसा नहीं बना कि केदारनाथ में हम मिल सके। तो अभी यहाँ फाइनली बद्रीनाथ धाम में मिल चुके हैं। तो भाई अभी वहाँ से हम गर्म कुंड में नहा के अभी ये रास्ते से हम ऊपर आए और यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर के पास। अब मेरे पीछे देख रहे हो बद्रीनाथ मंदिर है, और इधर का सामने का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। उधर से तो हम दिखा दिए, अब इधर से हम आप लोगों को सामने का व्यू दिखाते हैं। सामने का व्यू देखो, उस जगह पे कहीं पे हम अपना साइकिल लगाए हुए हैं, और ये सामने का व्यू देखो, और ये बीच में अलकनंदा नदी है, और यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर। तो अभी यहाँ पे हम फिर सोमेश भाई को कॉल लगाए थे, तो सोमेश भाई हॉस्पिटल में हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आते हैं तो हम जल्दी से जल्दी दर्शन करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़ा होके, फिलहाल यहाँ पे खड़ा रहते हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, आते हैं तो फिर दर्शन करके हम यहाँ से निकलेंगे। तो भैया अभी वहाँ पे हम दर्शन नहीं किए, सोमेश भाई को कॉल किए तो सोमेश भाई ने अपने ऑफिस में मुझे बुला लिया, बोला कि ऑफिस आओ साइकिल लगाओ फिर चलेंगे साथ में दर्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ पे आए हुए हैं सोमेश भाई के दुकान पे, उनके ऑफिस में, ये उनका ऑफिस है, और ये ट्रैकिंग का यहाँ पे काम करते हैं, ये मतलब कि यात्रा के दौरान जो जो आप लोगों को ज़रूरत है होटल बुकिंग ये सब सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को ये देंगे। बद्रीनाथ द्वारिका जगन्नाथपुरी रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा 8000 किलोमीटर दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को। मतलब सोमेश भाई भी देखो बद्रीनाथ धाम से इतना जगह ये घूम चुके हैं बाई साइकिल, और उनकी साइकिल भी जो है यहाँ पे पड़ी है, ये साइकिल से उन्होंने चार धाम की यात्रा पे की थी। और ये है हमारे सोमेश भाई। हेलो, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो फाइनली हम बद्रीनाथ मंदिर के अंदर में आ गए हैं, आप लोगों को मंदिर के अंदर का दर्शन कराते हैं।
गर्भगृह में तो कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मंदिर प्रांगण में वीडियो बना सकते हैं। तो ये है बद्री विशाल का मंदिर गर्भगृह, और यहाँ का मंदिर का ये एरिया है। हम आए हैं ये वाले रास्ते से, आए थे हम VIP रास्ते से, मतलब कि सोमेश भाई ने मुझे लेके आया था दूसरा रास्ता से, जिधर से सब आते हैं उधर से हम नहीं आए थे, तो उधर का हम वीडियो नहीं बनाए क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो गर्भगृह में हम अच्छे से दर्शन कर लिए, और अभी जाते हैं हम उधर से घूम के, सामने से भी आप लोगों को एक बार दिखाने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को हम इधर दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये सब दान पेटी है, यहाँ पर दान करने के लिए काउंटर है, और ये हनुमान जी मंदिर है। ये लक्ष्मी नारायण है, श्री नर नारायण मंदिर यहाँ पे भी है, नर नारायण। और ये अंदर का गर्भगृह, आप लोगों को वहाँ पे एक झूमर दिख रहा होगा, तो वो गर्भगृह है। हम अभी यहाँ से दर्शन किए, इस जगह से कैमरा अलाउ नहीं था, पुलिस वाले लोग मना कर रखे थे, तो आप लोगों को हम बाहर से दिखाते हैं एक बार यहाँ का सीन। ठीक, यहाँ से दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर में हम आए हुए हैं। यहाँ भैया निखिल जी का बद्रीनाथ में बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत। और इतनी खुशी हो रही है कि आप इतने दूर से साइकिल लेके आए हो, और भगवान बद्री विशाल जी के अभी सिंह द्वार पे खड़े हो। भगवान बद्री विशाल जी से प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण, आपकी यात्रा सफल रहे, यही प्रार्थना भगवान बद्री विशाल जी से। जय बद्री विशाल। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेरा दर्शन हो गया, दर्शन करके हम बाहर निकल गए। अब चलते हैं सोमेश भाई के दुकान पे, जहाँ साइकिल लगाए हुए हैं, चप्पल खोले वहाँ पे साइकिल चप्पल लेके, और यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। तो अब यहाँ से हम निकलने के लिए रेडी हो गए, सोमेश भाई फ़ोन से बात कर रहे हैं किसी से। चले सोमेश भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। कब यात्रा स्टार्ट कर रहे हो? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर का, जैसे ही पट बंद होगा आप निकल जाओगे। चलो ठीक है, बैजनाथ धाम में मिलते हैं, ठीक है। जय भोलेनाथ, जय बद्री विशाल। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकल के चलते हैं। अब यहाँ से जो है मुझे सीधा डाउन ही डाउन मिलेगा पूरा विष्णुप्रयाग तक, बद्रीनाथ इन करने का चेक पोस्ट। मेरा भी लिखोगे सर? अखिलेश। निखिल, निखिल सॉरी। कहाँ से आए थे? झारखंड। चलिए, जय भोलेनाथ, जय बद्री विशाल। यात्रा करते करते मेरे 8 महीने हो गए सर। 8 महीने? हाँ। कहाँ गए? मैं झारखंड से बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, सारे राज्य घूम। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू सर। तो ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री करने समय भी नाम लिखा जाता है, और वापस जाओगे तो भी नाम लिखा जाएगा आपका। हवा बहुत तेज़ चल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा है, और मेरा टोपी उड़ने वाला था अभी। और यहाँ का व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है, और यहाँ पे मुझे डाउन मिलने वाला है पूरा विष्णुप्रयाग तक। पीछे में आप झंडा देख रहे हो कितना तेज़ से उड़ रहा है, और मेरा साइकिल भी जो है रफ्तार पकड़ चुका है। अब यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं जल्दी से जल्दी हरिद्वार के लिए। हरिद्वार यहाँ से हम 2 से 3 दिन में पहुँच जाएंगे, क्योंकि पूरा रास्ता जो है मुझे डाउन ही मिलने वाला है। यहाँ से देख रहे हो हमको ज़रा सा भी पैडल मारने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, और जब हम यहाँ आए थे तो हालत जो है मेरा एकदम पूरा बहुत ही गंदी तरह से ख़राब हो चुका था, हमको वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था भाई। रास्ते में चलते चलते देखो मुझे क्या दिखा, देखो ये गाड़ी धोएगा अभी, सही है, अच्छा जुगाड़ है, गाड़ी धुल गया पूरा भैया का फ्री में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बस का जो है लाइन लग गया है, आगे बढ़ते हैं, आगे निकलते हैं। तो भैया वहाँ से झरना बह रहा था, सब कोई गाड़ी धो रहा था, वहाँ से आगे बढ़े तो वो वाला जगह मुझे मिल गया जो हम दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को,
अब देखो कैसे सड़क है, ऐसे 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 घुमा हुआ सड़क है। तो अभी यहाँ से हम डाउन होके ये सड़क से ऐसे घूम के उधर वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से फिर नीचे चले जाएंगे। ऐसे ही इधर का पूरा सड़क है और वहाँ सामने आप देख रहे हो वो जो है ना वो कोई बालू मिट्टी नहीं है, वो सफ़ेद चादर है, बर्फ जमा हुआ है। ऊपर से ये झरना निकल रहा है, इधर से झरना, मतलब पूरा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे झरना है। और यहाँ सामने में आपको देख के लगेगा कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ से पहाड़ों के साइड से कट के रास्ता निकला हुआ है। तो अभी वहाँ हमको जाना है, लेकिन बहुत ही घूम के। यहाँ पे रास्ता देख रहे हो कैसे पहाड़ को काट के बनाया गया है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। मेरा सीट टूट के ना बहुत ही हालत बुरा हो गया है, सीट गया है मेरा साइकिल का टूट के, और इधर पहाड़ में कहीं भी नहीं मिलेगा, सीधे ऋषिकेश में ही मिलेगा। भैया फाइनली हम पहुँचे हैं अभी हनुमान चट्टी, ये सामने आप देख रहे हो हनुमान जी का मंदिर है। तो अभी यहीं पे हम पहुँचे हुए हैं। आप जनवरी में भी आ सकते हो, जनवरी में भी यहाँ पे बहुत सारा बर्फबारी होते रहता है, तो आप यहाँ तक आ सकते हो। भाई मेरा सीट का हालत देखोगे क्या हो गया है, देखो मेरा सीट का हालत खुल के हाथ में आ जाता है, पूरा टूट चुका है। कैसे साइकिल चला रहे हैं ना हमको मालूम है, एकदम हालत ख़राब है मेरा, अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हम, बैठ नहीं पा रहे अच्छे से सीट में। यहाँ पे पहाड़ देख रहे हो कैसा निकला हुआ है, और उसके अंदर से सड़क बहुत ही ख़तरनाक देखने में लग रहा है ये सीन। और यहाँ पे अलकनंदन रिवर, बहुत ही ख़तरनाक सीन है। यहाँ पे लग चुका है लंबा सा जाम और यहाँ निकल रहा है झरना, इधर से निकल के यहाँ से क्रॉस करके वहाँ पे अलकनंदा में मिला है। आप देख रहे हो कितना तेज लहर है, अगर उस जगह पे कोई जाए ना तो सीधा बह जाए, बह क्या जाए वहीं पे चोट घाट लग के मर जाएगा। तो ऐसी जगह पे जाने का कोशिश कोई ना करे। सड़क है पतला, उधर से गाड़ी आ जाता है इधर से भी आता है तो जाम लग जाता है। अभी अब हम पहुंचने वाले हैं विष्णु प्रयाग, और ऊपर में आपको एक गांव दिख रहा होगा पहाड़ पे, वो है जोशी मठ। अभी वहां हमको जाना है, वहां से भी आगे जाना है, जाना तो घर तक है लेकिन फ़िलहाल वहां से आगे जाना है। वहां जाने के लिए बहुत लंबा चढ़ाई है, चढ़ाई भी चढ़ना है और विष्णु प्रयाग में यहाँ पे दर्शन भी करना है। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं विष्णु प्रयाग, आप लोगों को चलिए संगम का दर्शन कराते हैं और हम भी अपना मुँह कान धो लेते हैं, क्योंकि बहुत ही रास्ते में डस्ट उड़ा था जो पूरे फेस में मेरे आके बैठ गया है। तो ये है यहाँ का बैठने का स्थान, यहाँ साफ साफ बोर्ड में लिखा हुआ है। और यहाँ से जो है ये है प्रवेश द्वार संगम जाने का, यहाँ पे लिखा हुआ है धौली गंगा एवं अलकनंदा संगम द्वार। और यहाँ से दिख रहा है संगम, ये है अलकनंदा और वो है धौली गंगा, दोनों जाके संगम है। संगम व्यू पॉइंट यहीं पर है, ये ब्रिज अभी टूटा हुआ है, इस ब्रिज से भी संगम पॉइंट दिखता था, लेकिन हालांकि वहां से भी दिख जाएगा आपको, मेन रोड से भी दिख जाएगा। तो इधर से अलकनंदा और उधर से धौली गंगा। तो भैया यहां से रोड पर से भी आपको संगम दिख जाएगा अलकनंदा और धौली गंगा का। तो अभी आप ये रास्ते से हम निकलेंगे जोशी मठ ऊपर। भाई अभी ये साइकिल को वहां से ऊपर चढ़ाए, ऐसा वाला टर्निंग वाला तीन स्टेप था, हालत ख़राब हो गया चढ़ाते चढ़ाते, ऐसे एकदम खड़ा चढ़ाई है। अभी ये रास्ते से जाएंगे अभी ऊपर 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 जोशी मठ। जोशी मठ यहाँ से 8 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में ही मेरा हालत ख़राब हो गया, बहुत खड़ा चढ़ाई था। जब हम यहाँ से नीचे आए थे तो पूरा मज़ा आया था, पूरा बहुत ही मज़ा आया था। तो कर भी क्या सकते हैं, धीरे धीरे धक्का लगा के पहुँचते हैं जोशी मठ। भाई साहब बहुत लंबा जाम लगा है, अभी हम इधर से आए तो इधर लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम ऐसे ही कार सब लगा हुआ है। तो हम किसी तरह निकल के यहाँ तक आए, यहाँ आगे निकलने का जगह नहीं है, खड़े हैं 15 मिनट से, देखते हैं कि ये कब क्लियर होगा। भाई साहब इनके बारे में बहुत पहले सुने थे, बहुत ही पहले सुने थे जब हम ऋषिकेश से चढ़ाई कर रहे थे, तो हमको उधर बोला गया था कि एक जो है बुज़ुर्ग आदमी और उनके साथ 7-8 आदमी हैं जो दंड देते हुए बद्रीनाथ धाम तक जा रहे हैं। तो फाइनली इनका दर्शन हो गया मुझे। राधे 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 राधे
हम फाइनली नरसिंह भगवान मंदिर के पास पहुंच गए। तो आज नरसिंह भगवान का जयंती है, श्री नरसिंह जयंती है आज। तो चलिए अंदर में जाके मंदिर का दर्शन करते हैं, नरसिंह भगवान का दर्शन करते हैं। साइकिल अभी यहाँ बाहर लगाए हुए हैं, अभी पहले मंदिर का अंदर जाते हैं, देखते हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पे रुकने का। कुछ सिस्टम होगा तो यहीं पे रुक जाएंगे आज। तो ये है नरसिंह भगवान का मंदिर और यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। सारे गाँव वाले लोग मिल के कर रहे हैं, जोशी मठ के लोग मिल के कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम। आज नरसिंह भगवान का जन्मदिन है, जो भी बोलो आप, नरसिंह जयंती, नरसिंह भगवान का जन्मदिन, जो भी आप बोलो। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर में जाके दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर में कैमरा अलाउड है? अलाउड नहीं है ना। चलिए ऐसे ही जाके हम दर्शन करते हैं, कैमरा को रखते हैं पैकेट में और हम जाते हैं मंदिर के अंदर में। तो भैया फाइनली मुझे जगह मिल गया एक हॉस्पिटल के नीचे। ये जो पीछे मेरे प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये ऊपर में जो प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का ही प्रॉपर्टी है, बगल में हॉस्पिटल है। और वहीं पे जगह मिल गया शेड के नीचे, यहीं पे हम टेंट लगा लिए, यहाँ पे हम साइकिल ऊपर कर लिए हैं और यहीं टेंट लगा के आज रात को यहीं पे सो जाएंगे। देखो सारा सामान हम अंदर कर चुके हैं और थोड़ी देर में हम भी अंदर चले जाएंगे। और यहाँ नरसिंह भगवान मंदिर में जो है वहाँ पे भंडारा चल रहा है, तो वहीं पे जाके खाना खा के आके हम यहाँ पे सो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो को करते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नया लेके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय बद्री विशाल।